एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे आई फ्लू की। आई फ्लू जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स आई फ्लू से सफ़र कर रहे हैं, और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तीन तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो इससे बचना चाहते हैं, और एक तीसरे लोग हैं जिनको बहुत सीवियर कंडीशन आई फ्लू की हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं जिनको आई फ्लू आजकल हुआ है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आंखों में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बहुत सारी होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इनिशियल स्टेज है तो उसमें एकोनाइट एंड बेलाडोना ऐसी दो मेडिसिन है जिनमें बहुत एक्यूट कंडीशन है, सडनली बहुत जल्दी एकदम हीट, बर्निंग, पेन, रेडनेस, ये सब कुछ हुआ है। और दूसरी स्टेज आती है जब आंखों में पस बननी शुरू हो जाती है, आंखें सुबह उठते हैं तो चिपकी होती हैं, तो वहाँ पर सिलीशिया एंड हिपरसल्फ ये दो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक अर्जेंटम निट्रिका, मर्क सॉल, मर्क और सल्फर एंड सो मेनी अदर मेडिसिन। अगर आपको फ्लू हो गया है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये फ्लू बाकी के लोगों तक, दूसरे लोगों तक ना पहुँचे। आप कहीं भी बाहर मत जाइए, घर में रहिए, और आंखों को बार बार पानी से साफ कीजिए। पानी पहले बॉयल करके ठंडा कीजिए और उससे धीरे से आंखों को साफ कीजिए। बहुत ज़्यादा जोर से छींटे नहीं मारने हैं, उससे भी कई बार आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और किसी से हाथ नहीं मिलाना, अगर आप हाथ मिलाओगे तो आप ज़रूर है कि दूसरे को इन्फेक्शन दे दोगे। आप अपने यूज़ किए हुए टॉवल्स, बेडशीट्स, पिलोज, ये सब आप किसी को भी इस्तेमाल करने को मत दीजिए। आप अपने कमरे में बैठिए, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, और दूसरे लोगों के कांटेक्ट में ना आइए। आंखों में डालने के लिए एक होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हम घर में बना सकते हैं, यूफ्रेशिया क्यू लेकर या यूफ्रेशिया पेंटार्कन लेकर। ये मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये बॉटल है, इसके ऊपर ड्रॉपर लगा हुआ है, इसमें आप डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे या इसमें आप गुलाब जल डाल सकते हैं। उसमें 10-12 ड्रॉप्स यूफ्रेशिया पेंटार्कन के या यूफ्रेशिया क्यू के इसमें डाल देने हैं, और वो अगर आपको प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप 2-2 घंटे के बाद अपनी आंखों में एक ड्रॉप इधर एक ड्रॉप इधर डालिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 3-4 दिन में ये इन्फेक्शन अपने आप इन सब चीज़ों से ठीक हो जाएगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो उन लोगों के कांटेक्ट में मत आइए जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, उनसे बचिए। फिर एक बात है कि हाथ नहीं मिलाना किसी से भी। हाथ मिलाने से इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। उनके इस्तेमाल किए हुए रुमाल, कपड़े, पिलोज, बेडशीट्स, टॉवल्स, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। सो इस तरह से आप बच सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इरिटेशन शुरू हो गई है, तो जो अभी ड्रॉप्स बनाए हैं, जो आई ड्रॉप्स बनाए हैं घर में, तो उन ड्रॉप्स को आप दिन में 3-4 बार डालिए, उससे आपकी इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। आंखों को बिल्कुल भी मसलना नहीं है, क्योंकि आंखों में जब इरिटेशन होती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसे दबा दबा के इचिंग करने को, खारिश करने को मन करता है। लेकिन बिल्कुल भी आंखों को दबाना नहीं है, दबा के मसलना नहीं है, और धूप में बिल्कुल नहीं जाना। जब इरिटेशन होती है तो पेशेंट को लगता है कि जैसे कुछ आंखों में डल गया हो, कोई फॉरेन पार्टिकल आंखों में चला गया है, तो इस वजह से, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को ऐसा फील होता है। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो इमरजेंसी किस कंडीशन में आती है। इमरजेंसी में अगर आपको 4-5 दिन में आराम नहीं आया,
तो समझो कि इमरजेंसी, आपकी आंखें बहुत ज्यादा लाल है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है और आप सूरज को, लाइट को, रोशनी को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो समझिए कि आपको इमरजेंसी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके विजन में आपको दिखना बंद हो रहा है या आपको विजन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको इमरजेंसी है, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे आंखें चेक करवाइए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। सो, इस तरह से हम आई फ्लू से बच भी सकते हैं और अगर हो गया है तो उसका भी हमें समाधान मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आई फ्लू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।